आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर और राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ जगमाल वाली पंथ जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला ये ठाकुर जी पंथ ये पांच नाम जाप करें पांचों काल के और ये तीन नाम आपको बताए नकली बना लिए सत पुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम ये तो वो कैसे मिला वो राम वो जिसके ये गुण हैं जिसकी उपमा आप कह रहे हो अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा हैंडपम्प से जल मिलेगा हैंडपम्प समझो ये सतनाम का जो दो अक्षर का मंत्र है सतनाम में ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी जैसे बोकी मारते हैं उल्टी से फिर पाइप नीचे ले जाते हैं तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा बुक्की और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया उसके बाद फिर हैंड पंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा तो सतनाम का जो मंत्र है हाँ आपका ये भी आवश्यक है इस बिना तो फिर वो हैंड पंप नहीं ऊपर मशीन लगे नहीं तो सारनाम मशीन है ऊपर का पंप और सतनाम ये बोकी है ऐसे ही परमात्मा मिल जाएगा सिंपल सी बात है अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम सतनाम के बिना मोक्ष नहीं और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कह कह का पता नहीं और करोड़ों जीव डोब दिए काल के मुंह में फंसा दिए इनको परम धनी जान के देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब मुद्रक लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली अब यहां इसकी भूमिका में क्या लिखा है इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है भूमिका में लिखा है कि सार्व स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है ये वचन सत्संगों तथा तो अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगों ने नोट किए थे स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया सन 1902 में यह सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और अठारह में यह मर गया था 18 17 वर्ष सत्संग करके उसके बाद फिर वो इद्दी में छपवाई गई थी उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सार्वचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था यह छपी तो पहले से भी थी 1902 में तो गुरमुखी लिपि में छपी थी प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पढ़ता ने इन बुद्धिमानों ने इन नो नहीं बेरा यू के कहना चाहो खख भी नहीं पता इस विद्यालय को अब देखना अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था आपने 25 अगस्त 1818 अठारह में आगरा शहर में जन्म लिया आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहब के भक्त थे स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहब की काफ़ी संगत की थी संगति की थी बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था आपने एक कमरे में बैठकर सत्रह वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया इविन सूरत शब्द का पता नहीं किया उडड़े डोएंगा कान बंद करके आंख मूंद के और सन अठारह में बसंत पंचमी के दिन खुल्ले तौर पर आम सत्संग और सुर शब्द योग का उपदेश शुरू किया सत्रह साल डडे डोक अठारह 1861 में इसने सत्संग किया वो के वचन फरमाए वो दिखाता ये देखिएगा राधा स्वामी दाल की दा युराधा स्वामी शिवदाल समझो राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति राधा का स्वामी अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का अब ये वचन है यह दफा एक हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे पहुंचावे आगे लिखे तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं उसके खजाने और निकास यानी मुकाम स्थान मुकामन स्थान सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे ठीक है क्लियर हुआ इन्होंने सतनाम को सथान कहा है ये देखना और ये तीसरा वचन देखो जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए सब अपने अभ्यास के ज़ोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले असली स्थान की ओर चले फिर और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर या मंजिल सतनाम बता दी न मंजिल माने स्थान या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो कहते हैं अर सतनाम कहो और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर अब चौथा वचन सुनो इनका प्रश्न नंबर पंद्रह पे और ये है सार वचन वार्तिक भाग एक अब यहाँ वचन चौथा अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है राधा स्वामी और अब है इससे इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है सतनाम प्रूढ़ हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं स्थान का स्थान है स्थान का स्थान है अब पढ़ लो इनके वचन इनके परम दणी के जिसको इव सतनाम को आगे डिफाइन किया शिव जी ने संतों ने सतलोक सचखंड सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया हमारा सर किया तेरा तरा गजब भैया बालक भी ना बोला ये वचन जो इन इसके परम धनी बोल रहा कि ये टीचर को जातमिक कख भी नहीं पता इनको बट्ठा बठा दिया जी इतने जीवन बर्बाद कर दिए इन सतनाम का नहीं पता चला सारी उम्र खो दी डेढ़ सौ बरस हो गए डले डोत्या ने करोड़ों व्यक्ति डबो दिए काल के मुंह में फंसा दिए